क्या आपके पौधे पे नींबू में फूल बन रहे हैं पर फल नहीं बन रहे हैं, या फिर फूल भी नहीं बन रहे हैं? तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पौधे में अगर नींबू के फल नहीं आ बन रहे हैं या फिर फूल ही नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कितने सारे फूल हैं, पत्तों से ज़्यादा फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दूसरा प्लांट है मेरा, इसमें आपको कुछ नींबू के फल भी दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे मिला मुझे, इतने सारे फ्लावर्स कैसे आए और वो फ्लावर्स फल में कैसे तब्दील हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें अपने नींबू के पौधे में क्या करना चाहिए कि हमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती रहे। दोस्तों, जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है वो आपके गमलों में जो नींबू का पौधा लगा हुआ है उसमें आपको क्या करना है कि उसकी मिट्टी की निराई और गुड़ाई करनी है। आपको ये देखना है कि उसमें कोई खरपतवार ना जमा हो एक्स्ट्रा, और उसकी 1 से 2 इंच की लेयर आप इस प्रकार से किसी टूल्स की मदद से गुड़ाई कर दीजिए। मैं आपको दिखाऊँ गुड़ाई करके, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप भी इसकी इसी प्रकार गुड़ाई कर लीजिए। और जो भी इसमें घास फूस जमी हो एक्स्ट्रा, उसको आप उसमें से हटा दीजिए। और 1 से 2 इंच की लेयर आप जब गुड़ाई कर लेंगे तो इसमें आपको क्या करनी है, जो साइड की मिट्टी होती है इन्हें हटाना है, इस प्रकार से इकट्ठा करना है। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, हल्की ग्रोथ है, ग्रोथ कम है, तो आप इसमें फिर बोन मील के साथ काउडंग कंपोस्ट अच्छे से गली हुई सड़ी हुई मिलाइए। क्योंकि अगर काउडंग कंपोस्ट, देखिए, अगर अच्छे से सड़ी गली नहीं होगी तो वो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जितनी हो सके उतनी सड़ी हुई काउडंग कंपोस्ट आपको इस प्रकार चारों तरफ से लगानी है। साथ में बोन मील जरूर डालिए, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले बोन मील यूज किया था तो मैं फिर से नहीं यूज कर रहा हूँ। तो आप बोन मील जरूर डालिएगा इसमें, क्योंकि बोन मील आपके पौधों को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रकार देखिए, अगर आप इसमें बोन मील और काउडंग कंपोस्ट दोनों एक साथ मिला के डालना चाहें तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो काउडंग कंपोस्ट इस प्रकार से डालने के बाद हमने मिट्टी से वापस इसको ढक देना है, और ढकने के बाद हमें वाटरिंग करनी है। पर वाटरिंग इतनी ही करनी है कि एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि नींबू के पौधे को पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो जितना इसमें आप वाटरिंग कीजिए, पर इतनी ही कीजिए कि पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहे। इस प्रकार से देखिए हमने वाटरिंग कर दी, इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है पानी। और इसको वाटरिंग करने के बाद मिट्टी हमारी, जो खाद हमने कंपोस्टिंग की है, वो मिट्टी में मिल जाएगी और रूट्स को उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। ये दोस्तों था कि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो बोन मील और काउडंग कंपोस्ट जो होता है वो पौधे की ग्रोथ बनाएगा। जब हम एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं दोस्तों, तो वो पौधे को बहुत ज़्यादा हरा भरा रखता है, बहुत ज़्यादा पौधा हरा रहता है, पत्तियाँ बहुत हरी होती हैं, ग्रोथ करती हैं, पर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्लावर कैसे आएंगे। दोस्तों, फ्लावरिंग लाने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है अपने पौधे पे। आप 2 से 3 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में लीजिए और अपने पौधे पे स्प्रे कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपको अपने गमले की मिट्टी में इसको नहीं डालना है, इसको आपको अपने पौधे पे सिर्फ स्प्रे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा पौधा जिसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी है और 1-2 फ्रूट भी हैं इसमें, पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स टिकते नहीं हैं, बहुत ही कम फ्लावर्स आते हैं। तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी है पर फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एप्सम साल्ट का हमें कैसे प्रयोग करना है। ये देखिए हमारा वाटर स्प्रेयर बोतल है जिसमें हम एप्सम साल्ट डाल लेंगे
इसमें दोस्तों हमने एप्सम साल्ट डाल लिया है। अब इसको हम अपने पौधे पे पत्तियों पे स्प्रे करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हमें पत्तियों पे ही इसका स्प्रे करना है, तो पूरे पौधे की पूरी पत्तियों पे आप इसको स्प्रे कर दीजिए। ये मैं मेरा टेस्टेड फार्मूला है दोस्तों, मैं आपको अपना टेस्ट किया हुआ बता रहा हूँ। मैंने अपने दूसरे पौधे पे इसको टेस्ट किया था और आप उस पर देखिए कितनी सारी फ्लॉरिंग आपको दिख रही है, फ्लॉरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों अब मैं बताऊं कि जैसे ये पौधा है मेरा, इस पे फ्लावर्स तो आ गए, पर ये फ्लावर्स हमारे फ्रूट में तब्दील नहीं हो रहे हैं। अगर आपके फ्लावर्स हैं जो आते तो हैं पर झड़ जाते हैं, किसी रीजन से गिर जाते हैं, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे फ्लावर्स गिरते हैं, तो अगर आपके भी फ्लावर्स गिर जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको शहद चाहिए, प्योर शहद, और आप एक चम्मच शहद को आधे लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और जो भी आपके फ्लावर्स हैं जो झड़ रहे हैं उन पे आप उसका स्प्रे कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींबू के पौधे पे, किसी भी पौधे पे जिस पे आपके फ्लावर्स आ रहे हैं और वो झड़ जा रहे हैं आप उन पे उसका स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप शहद का स्प्रे करेंगे तो जो मधुमक्खियाँ होंगी या फिर कीट पतंगे होंगे वो आपके उन फ्लावर्स पे आके बैठेंगे और उससे पॉलिनेशन ज़्यादा होगा, पॉलिनेशन होगा तो आपके फ्लावर्स कम गिरेंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे, उनसे फ्रूट बनेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ नींबू के प्लांट्स की जानकारी जिसको कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और जब आपके फ्लावर्स फ्रूट में तब्दील हो जाए या फिर फ्लावर्स के स्टेज पे आपका ग्रो पौधा हो तो आप उसमें पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, सिर्फ उतनी ही पानी दीजिए जिससे कि आपके पौधे में मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि जब पौधे में मिट्टी में नमी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपके फ्लावर्स झड़ने का एक रीज़न वो भी होता है। जब एक बार आपके फ्लावर्स इस प्रकार फ्रूट में तब्दील हो जाएं और फ्रूट की साइज़ करीब इतनी हो जाए तो आप फिर से आप उसमें वाटरिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें थी नींबू के पौधे के बारे में जो कि मैंने टेस्ट किया और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे